हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल टारगेट विजन में। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 4 देखेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें, इसने को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हम नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं जिसका क्वेश्चन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हो जाएगा सी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्वेश्चन नंबर 2, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा सी, अवतल दर्पण, जो कि दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कि क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा आधी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, उत्तल मिरर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी, तो लेंस की क्षमता होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा सी, +5 डायोप्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्नेल के नियम अनुसार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी कि स्नेल के नियम अनुसार क्या होता है? तो म्यू इक्वल टू होता है sin A/sin R। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जब प्रकाश एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व परत में विचलित हो जाती है, तो उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, वो जाएगा ए, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर आठ का, वो जाएगा बी, अवतल दर्पण, जो कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर 1.6×10⁻¹। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा ए, उष्मीय। क्वेश्चन नंबर 11, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, हो जाएगा सी, बहुत अधिक बदलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, CO2, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, हो जाएगा ए, यानी कि अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, हो जाएगा डी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, हो जाएगा 50 हर्ट्ज, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, हो जाएगा सी, काला। क्वेश्चन नंबर 17, LPG का मुख्य अवयव है? तो LPG का मुख्य अवयव कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जो कि LPG का मुख्य अवयव है। क्वेश्चन नंबर 18, ZN+CuSO4 रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो जगह विस्थापन अभिक्रिया, जो कि ZN+CuSO4 जो कि विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, वो जगह सी, उष्माक्षेपी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 20, अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर
लवण एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा उदासनीकरण, जो कि इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर है क्वेश्चन में 21, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, संक्षारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा CaCO3, जो कि संगमरमर का रासायनिक अनुसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 23, लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक का होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ए, लाइकेन, जो कि लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक का होता है तो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा डी, विरंजक चूर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH2 के जलीय बिलियन को निम्नांकित रूप में उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा एंटेसिड, हो जाएगा इसका सही आंसर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटेसिड। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेनलेस स्टील धातु है, तो स्टेनलेस स्टील धातु किसका है? तो लोहा का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, सिनेबार किसका आयस्क है? तो सिनेबार जो है पारा का आयस्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा डी, एथाइन देता है। क्वेश्चन नंबर 30, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ए, वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो टमाटर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा बी, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 33, एसिटिक अम्ल का आयोपेक नेम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 35, ईसीजी का पूरा नाम लिखिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का वो हो जाएगा ए, 120/80। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 38, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ए, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 39, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, ड्यूरामेटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कौन लैंगिक जनक संचारित रोग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा डी, टाइफाइड, इसका सही आंसर कौन लैंगिक जनक संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लिंग क्रोमोजोम, जो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 43, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 43 जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जॉनसन ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा सी, डार्विन, इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। क्वेश्चन नंबर 45, ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का वो हो जाएगा सी, यानी कि CFC। क्वेश्चन नंबर 46,
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जैव संरक्षण के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, कचरा प्रबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, हृदय में रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 48 का हो जाएगा बी, निलय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किसको? तो इसको इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वृक्षों को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों से। क्वेश्चन नंबर 50, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 50 का हो जाएगा गेगर जॉन मेंडल, जो कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।